ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की, उनकी इंटेंशंस, और फिर हम लव ओरेकल से दो मैसेजेस निकालेंगे एंड देन डिवाइन गाइडेंस देखेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, प्लीज़ जितनी रेजोनेट हो उतनी लेना, और कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने न्यू लोग हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रीडिंग को अगर मैच करती है आपसे तो लाइक करें, और जो भी आपको मैच नहीं करता है प्लीज़ उसे इम्पोज ना करें। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। सो कैप्रिकॉन यानी कि कर्क राशि, सॉरी मकर राशि, आइए देखते हैं कैप्रिकॉन क्या है आपके पार्टनर के दिमाग में, क्या चल रहा है कैप्रिकॉन आपके पार्टनर के दिमाग में, क्या है उनकी फीलिंग्स। द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो कैप्रिकॉन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, या तो आपने उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया है, कोई बहुत बड़ा बड़ा गेम खेला है जिससे उनको बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। वो शायद आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन की उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पर शायद एक चीज़ों में बिगनिंग होगी, बट शायद आपने मे बी उस तरह से उनको रिस्पॉन्स दिया नहीं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब हो गया कि ये कैप्रिकॉन ने मेरे साथ क्या किया, और मैं तो उसके साथ चीज़ों को संभालना चाहता था या चाहती थी, बट कैप्रिकॉन ने मुझे नहीं समझा और कुछ और ही कर दिया। टू ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि अभी वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दो तरफ से सोच रहे हैं, अभी भी उनके मन में ऐसा है कि भले ही आपने अगर उनके साथ गलत कर भी दिया है या कुछ जाने अनजाने हो भी गई हैं चीज़ें हो गलत बीच में रिश्ते में, तो अभी वो डावाडोल से हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अभी वो इस चीज़ से बाहर निकलें या इस चीज़ को संभालें। ऐसा सा हो गया है कि निकलें या छोड़ें, निकलें या छोड़ें, तो अभी उन्होंने पूरी तरह मन नहीं बनाया है, अभी भी उनके मन में वही जो है कहीं ना कहीं कच्चा पक्का है। ठीक है, इंटेंशन वाइज देखते हैं क्या है इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या है कैप्रिकॉन के पार्टनर की। कैप्रिकॉन, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने या उन्होंने दोनों ने एक जेन्युइन लव किया था एक दूसरे को, जिसमें वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी इंटेंशन ऐसी हो गई है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है, ये रिश्ता एक बोझ बन गया है, एक बर्डन बन गया है, बन तो गया था ये रिश्ता न जाने कैसे, बट कहीं ना कहीं इसको आगे खींच नहीं पा रहे, इसको संभाल नहीं पा रहे, इसे देख नहीं पा रहे, क्यों ये इतना ऐसा हो गया है कि अब इसका एक छोर ही नहीं मिल रहा, मतलब शुरुआत का छोर तो था पर अंत का छोर नहीं दिख रहा, कुछ इस तरह की उनकी मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं कैप्रिकॉन, कुछ इस तरह की उनकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे सिचुएशन में, जहाँ पर वो शायद अभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं आपके पार्टनर के, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, कुछ आपको बताएंगे। कैप्रिकॉन के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। सो अभी फ़िलहाल जितना भी पैशन उनके अंदर है इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एकदम जहाँ पे मैंने कहा 100 पे था, तो उसको एकदम उन्होंने 1 पे कर दिया, आप समझ लें इतना कम कर दिया है, पेजेस में ले आए हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, हाईएस्ट एनर्जी से एकदम लोएस्ट में ले आए हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ, फ़िलहाल वो कुछ नहीं करेंगे, फ़िलहाल वो बिल्कुल इमोशन से उन्होंने मूव फेर लिया है, फिलहाल वो ऐसे हो गए हैं कि लोग उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई बात उन्हें समझ भी आ रही है, सुनने में भी पता लगता है, दोस्त आपके कुछ कहते हैं, कोई भी कोई बोलता है तो वो सुन के भी अनसुना कर देते हैं, वैसे वाली सिचुएशन में है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि एक्शन तो आप एक्सपेक्ट मत करें कि वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस लेंगे वो आपके लिए, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, यस का कार्ड है। सो आप अपने दिमाग में अगर कोई बात के लिए बहुत देर से सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं यस वो चीज़ होगी। सो अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो हो सके तो दूसरों से मदद लें, हो सकता है किसी से मदद लेके बातचीत करके एक सोल्यूशन निकल जाए, चीज़ें थोड़े बेटर लेवल पे चले जाएं। अगर अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था आपको, ठीक है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। कैप्रिकॉन, अगर बहुत ज़्यादा आपको जैसे बादल आपकी आंखों के आगे आ गए हैं, लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सो कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट क्लैरिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग, होप आप इसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करे हों। और क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।